नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक। जैसा पार्ट एक में आपने देखा कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा चल रही है और मॉडल स्कूल जो है वहां पे कार्यक्रम चला हुआ है, तो यहां काफी भीड़ है। तो जानते हैं कहां कहां से लोग यहां पे आए हैं। भाई साहब क्या नाम है? मूलचंद। कहां से? खातोदड़ा से। खातोदड़ा से कितनी भीड़ आई है? भीड़ बहुत काफी है। तिरंगा को लेकर? तिरंगे को लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम, और भाई गौतम के साथ तो भाई गौतम का नाम लिया जा रहा है, उनके साथ हैं। और काफी बाबा राम 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 भाई राम राम काम कौन सो है? बसी है। कितना आदमी आ रहे बसई था? लड़ा जा रहा है जो अपना ही सारा आदमी। तिरंगे को लेके भाई, तिरंगे के उपलक्ष्य में बहुत ज्यादा खुशी है। हम सभी शर्मा जी के साथ हैं, बसई गांव के आदमी। कैसे हो भाई साहब? मैं अच्छा हूँ। बसई गांव पूरा साथ बता रहा है। हाँ, सारा बसई गाँग भी आया हुआ है, खुडाना भी आया हुआ है, पाली भी आया हुआ है, सब आए हुए हैं। आप सबकी बोलो वीडियो। गौतम भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, गौतम भाई साहब के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है सर? पंडित जी का बहुत बढ़िया है, और महेंद्रगढ़ में पंडित जी ही आएंगे इस दफा। कोई कौन से गांव से है? हम बसई से। बसई से पूरा गाँव आज? हाँ, पूरा गाँव साथ है। तो अब की बार फिर विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें फिर जीते? बिल्कुल। हमारे साथ मेरा नाम रोहतास शर्मा, आरओ बसई है जी, और शर्मा जी के साथ हैं। कई गाड़ियां आई हैं भर भर के, और सभी बुजुर्ग जैसे 88 इयर्स, 88 साल, 88 साल, जी को लेके प्यार है। हाँ, प्यार है शुरू से ही पंडित जी के साथ। पंडित रामलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख सकते हैं जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। बाबा राम राम। गांव कौन सा है? गांव सतराली बास है। सतराली बास लावणी छोड़ के आए हूँ। लावणी? हाँ, देख लावणी क्या आ रही है? लावणी आ रही है बाजरा की, और पशु रहा। लेकिन इस सरकार को शुरू से साथ हूँ, आगे भी रहूंगा। बीजेपी के साथ हो या रामविलास शर्मा के साथ हो? मैं बीजेपी और रामविलास शर्मा दोनों एक ही पार्टी है। अच्छा, अच्छा। क्या नाम है? सुनील कुमार, गांव जेरपुर से आया हूँ भाई साहब। और बीजेपी का बहुत ज़बरदस्त माहौल है, और बहुत ज़बरदस्त पंडित जी रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ से, इनको कोई हराने वाला नहीं है किसी प्रकार से। बीजेपी ज़बरदस्त विजय घोषित करेगी। मेरा गांव बसई से, मेरा नाम प्रेमचंद है। हम बीजेपी के 30 साल से बीजेपी के साथ हैं। शर्मा जी ने गांव के अंदर बहुत विकास कार्य किए हैं, इसलिए गाँव के अंदर इनका स्नेह और प्यार बहुत ज़्यादा है। सभी गाँव के आदमी हैं, शर्मा जी के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। मैं पोलिंग बूथ का 30 साल से एजेंट हूँ। आज तिरंगा यात्रा है। हाँ, शहीदों के सम्मान में यात्रा। आज शहीदों के सम्मान में, हम शहीदों के सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। शर्मा जी भी तैयार हैं। बीजेपी सरकार शहीदों को हमेशा प्यार और सम्मान देती रही है। तो आप इधर देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ है, और गाड़ी और ट्रैक्टरों की बात करें तो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं। आप दिखा सकते हैं कि काफ़ी लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ आए हैं। और ट्रैक्टर्स के उधर अगर आपको दिखाई दे रहा तो बहुत सी घोड़े और घोड़ियाँ खड़ी हैं। क्या कुछ किया जाएगा वो तो आपको अभी जब यात्रा शुरू होगी, चलेंगे जब दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाषण अभी चल रहा था, जो माननीय सांसद हैं अपने भिवानी महेंद्रगढ़ के, उनका भाषण चल रहा है। और चारों तरफ का जो माहौल है उसमें काफ़ी संख्या में भीड़ है। ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, किसान अपने घर से ट्रैक्टर ले लेके यहाँ पहुँचे हैं, और लोगों में जोश है कि भाई बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं और आने वाले समय में बीजेपी को वोट देंगे। 30-30, 35-35, 40-40 साल के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसकी उम्र 88 साल है, लेकिन वो भी आज उन्होंने कहा कि मैं रामविलास शर्मा के लिए, गौतम शर्मा के लिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दूसरा भाग में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपको तीसरे पार्ट में आगे जो गतिविधि होती है वो दिखाएंगे। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 6 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।